दोस्तों, मैं हरिनाम सिंह सैना चैनल की तरफ से आपको नमस्कार करता हूं, वेलकम करता हूं। और दोस्तों, आज मैं आपको एक आयुर्वैदिक फार्मूला बैंगन को लेकर बताने जा रहा हूं। और बैंगन को आप अपने भोजन में शामिल करें और इस बैंगन से बहुत सी बीमारियों का इलाज होता है और बहुत सी बीमारियों को ये बैंगन दूर करता है। इस बैंगन को आप कई प्रकार से खा सकते हैं, जो मैं आपको अभी बताऊंगा। दोस्तों, मैं हरिनाम सिंह सैना चैनल की तरफ से या इस चैनल के माध्यम से मैं चाहता हूं कि आप लोग खाने पीने की वस्तुओं से, खाने पीने की चीज़ों को खाकर स्वस्थ रहें, चंगे रहें और बीमारियों से दूर रहें और स्वस्थ रह करके लंबी उम्र जिएं। दोस्तों, ये बैंगन है, ये एक सब्जी है और बैंगन की सब्जी को पूरे हिंदुस्तान में खाया जाता है और हिंदुस्तान के बाहर भी जो लोग हैं हिंदुस्तान के, वो भी बड़े चाव से खाते हैं। इसमें बैंगन में बहुत सी चीज़ें प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं, जैसे लोह तत्व और भी अनेक। इस बैंगन में कई प्रकार के विटामिन्स और फाइबर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके खाने से आपके शरीर की कई बीमारियां दूर भागती हैं। और दोस्तों, इस बैंगन में तमाम खनिज और एंटीबायोटिक भी पाए जाते हैं, जो आपके शरीर को लाभ पहुंचाते हैं, बीमारियों से बचाते हैं। दोस्तों, इस बैंगन में तमाम खनिज और विटामिन्स, तमाम विटामिन्स भी पाए जाते हैं और ये फाइबर भी पाया जाता है और एंटीबायोटिक भी पाए जाते हैं। ये सब तत्व मिल करके आपके शरीर को विकास करने में, शरीर के विकसित करने में, शरीर को मजबूत करने में, शरीर को कई बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं और इसलिए हमें बैंगन की सब्जी खाना चाहिए, बैंगन का जूस पीना चाहिए और बैंगन को कई प्रकार से आप खा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले बताऊंगा कि बैंगन को खाने से क्या लाभ है। तो दोस्तों, एक बड़े रिसर्च से पता चला है कि अगर आप बैंगन का जूस पीते हैं, इस बैंगन का जूस पीते हैं, तो दिल की बीमारी में सबसे बड़ा फायदा होता है। दिल के रोगियों को सबसे ज़्यादा फायदा होता है अगर आप बैंगन का जूस पिएं। और दोस्तों, बैंगन का जूस बनाने में आप जूस मशीन ले लीजिए, नहीं तो जब बैंगन की सब्जी आप बनाते हैं तो इस बैंगन को सबसे पहले जूस बना लीजिए। और इसके लिए आप जैसे सब्जी के लिए बैंगन को काटते हैं, तो वैसे सब्जी के तरीके से बैंगन को काट लीजिए और जितना बैंगन में जूस बनाना है, तो अगर एक गिलास जूस बनाना है तो बैंगन की जो सब्जी आपने काटी है उसमें दो गिलास पानी मिला दीजिए और धीमी आंच में पकने के लिए रख दीजिए। तो काफ़ी 10-15 मिनट के बाद एक गिलास पानी ख़त्म हो जाएगा
तो आपका एक गिलास जूस तैयार हो जाएगा, या आप इसको अपना ये बैंगन का रस भी बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं, और इसमें गुनगुना रहे तो आप पीना शुरू कर दीजिए। जैसे मैं पी रहा हूँ, और थोड़ा नमक भी डाल दीजिए, और स्वाद अगर चाहिए तो नींबू भी इसमें मिला सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों, जिस बैंगन को काट कर आपने जूस बनाया है, उसी बैंगन से आप सब्जी बना लीजिए। और सब्जी कैसे बनती है तो सब कोई जानते हैं, कांदा फ्राई करिए, मसाला डालिए, तेल डालिए, ऐसे आप सब्जी बना लीजिए। देखिए यह बैंगन की सब्जी है जो मैंने बनाई है, और आप इसी बैंगन की सब्जी को खाइए। तो दोस्तों, बैंगन आप सब्जी के रूप में खाएं या जूस के रूप में बैंगन को पिएं, या कच्चा भी बैंगन खा सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखिए बैंगन में जब काटिए तो देख लीजिए कि बैंगन में अक्सर कीड़े पड़े होते हैं। तो जितना ताज़ा बैंगन होगा तो ठीक होगा, और जितना लेट होगा तो इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, इसलिए काटने के समय आप देख लीजिए। तो दोस्तों, बैंगन खाने से आपको बहुत सी बीमारियों से आपको लाभ पहुंचता है, और जो बैंगन खाने से या बैंगन का जूस पीने से या बैंगन को कच्चा खाने से जो लाभ होता है वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि बैंगन में तमाम विटामिन्स और प्रचुर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जो आपके शरीर को मजबूत बनाता है, आपके शरीर में इम्यूनिटी के स्तर को बढ़ाता है, आपके शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, और आपके शरीर में लोह तत्व की कमी को पूरा करता है। और दोस्तों, बैंगन में खनिज पदार्थ, खनिज और एंटीबायोटिक भी पाए जाते हैं, जो ये मिल करके आपसे के आपके शरीर को विकसित करते हैं, आपके शरीर को विकास करते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी कोई आदमी नाटा रह जाता है या दुबला पतला हो जाता, तो उसके शरीर का समुचित विकास नहीं होता है, क्योंकि खाने पीने में कई विटामिन्स और खनिज की जरूरत पड़ती है तो नहीं खा पाते हैं, तो शरीर का विकास होने में रुकावट आ जाती है या गति धीमी हो जाती है। लेकिन अगर आपके शरीर में खनिज है, विटामिन्स हैं, तो आपके शरीर का समुचित विकास होता है। तो ये बैंगन खाने से आपके शरीर का विकास होता है और शरीर स्ट्रांग होता है। दोस्तों, जब बैंगन का जूस पीते हैं, जब आप बैंगन का जूस पीते हैं तो आपके दिल की बीमारी दूर होती है, या दिल की बीमारी को बैंगन का जूस दुरुस्त करता है, हार्ट अटैक को कम करता है, दिल की बीमारी को कंट्रोल में रखता है। तो इसलिए दोस्तों, आपको बैंगन का जूस पीना चाहिए, और विशेषकर उन लोगों को जिनको दिल की बीमारी की शिकायत है, तो उनको बैंगन का जूस पीना चाहिए। दोस्तों, बैंगन का जूस पीने से या बैंगन की सब्जी खाने से आपके शरीर में जो ब्लड प्रेशर का सर्कुलेशन है, तो ब्लड प्रेशर के सर्कुलेशन को ठीक रखता है, कंट्रोल रखता है। बैंगन की सब्जी खाने से, जूस पीने से आपके जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में रहता है। और दोस्तों, बैंगन की सब्जी खाने से या बैंगन का जूस पीने से आपका वजन
भी कंट्रोल रहता है, आपको मोटापा बढ़ने से रोकता है, वजन को कंट्रोल में रखता है। और अगर दोस्तों वजन कंट्रोल में है तो आप कई बीमारियों से बचते हैं। तमाम प्रकार की बीमारियों का कारण मोटापा होता है, जैसे घुटनों का दर्द और डायबिटीज होना, ये तमाम रोग जो है मोटापा अधिक होने से तमाम बीमारियां हो जाती हैं। तो बैंगन का जूस पीने से या बैंगन की सब्जी खाने से आपका मोटापा नियंत्रण में रहता है। और दोस्तों बैंगन की अगर आप सब्जी खाते हैं, बैंगन का जूस पीते हैं, तो आपका शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। आपका शुगर ज़्यादा नहीं होता, ये कंट्रोल में रखता है। और इसलिए बैंगन की सब्जी खाने से, बैंगन का जूस पीने से उन लोगों को भी लाभ है जो डायबिटीज की बीमारी से पीड़ित हैं। तो ये बैंगन का खाना, बैंगन का जूस पीना या बैंगन की सब्जी खाना या बैंगन का भुर्ता बनाकर खाना उन लोगों के लिए लाभकारी है जिन्हें डायबिटीज है। तो डायबिटीज जब शुगर को लेवल में रखता है, शुगर को कंट्रोल में रखता है, तो डायबिटीज को भी कंट्रोल में रखता है। दोस्तों आपको बैंगन की सब्जी, चाहे बैंगन का जूस, चाहे बैंगन का भुर्ता बनाकर खाएं, लेकिन ज़रूर खाएं। और दोस्तों बैंगन खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रहता है। कोलेस्ट्रॉल जो है, विशेषकर बैड कोलेस्ट्रॉल जो है, कंट्रोल में रखता है, जिससे आपको तमाम शरीर की बीमारियों में लाभ होता है। तो बैंगन की सब्जी या बैंगन का भुर्ता या जूस, किसी भी प्रकार से आप बैंगन का सेवन अपनी लाइफ में करें। और दोस्तों बैंगन की सब्जी खाने से लोह तत्व की भरपाई होती है और आपके दिल के रोगियों को लाभ है। हार्ट अटैक जो होता है उन लोगों को काफ़ी लाभ पहुंचता है। दिल की बीमारी को काफ़ी लाभ पहुंचाता है बैंगन, और शरीर को मजबूत बनाता है। और भी बैंगन की सब्जी खाने से बहुत ज़्यादा लाभ हैं, और सभी लाभ अगर बताए जाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, और आजकल तो ज़्यादा 10-12 मिनट का ही वीडियो देखने में लोग उबने लगते हैं। लेकिन दोस्तों ये बैंगन के बारे में जो मैं बताया है उसको अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करें। कुछ नहीं तो हफ्ते में एक दिन या दो दिन बैंगन की सब्जी बनाकर खाएं। सब्जी बनाने के पहले उसको जूस बना लें और जूस पिएं, फिर उसी की सब्जी बना लें। और बैंगन का सेवन अपने परिवार में करें, अपने घर में करें, जिससे आप निरोग रहेंगे, तमाम बीमारियों से दूर रहेंगे, छुटकारा पाएंगे, और शरीर में तमाम विटामिन्स, तमाम खनिज पदार्थ शरीर को मिलेंगे, जिससे शरीर मजबूत होगा और निरोग होगा। और हमारे चैनल हरिनाम सिंह सयाना का यही उद्देश्य है कि आप लोग निरोगी काया पाकर स्वस्थ रहें और लंबी उम्र जिएं। दोस्तों हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और इस चैनल को देखते रहें और स्वस्थ रहें, लंबी उम्र पाएं। नमस्कार। आप सबका दिन, पूरा दिन खुशी से रहे और हैप्पी रहें। नमस्कार।